नमस्कार दोस्तों, अरलोड पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना दोस्तों, ताकि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, HDFC बैंक का मॉरेटोरियम 3.0 अप्लाई करने का लिंक, या आप HDFC बैंक का रीस्ट्रक्चरिंग लेते हैं तो ठीक है, और इसका अप्लाई करने का लिंक काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग आ रहा था, वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं हो रहा था। तो HDFC ने अपने लिंक अप्लाई करने का लिंक HDFC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया है। इस वीडियो में आपको यह बताएंगे जो आखिर किस तरह से आप HDFC का लोन रीस्ट्रक्चरिंग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी क्या प्रोसीजर रहेगा, आप कैसे लिंक पर जा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहिए, आपके लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है ये भी बताएंगे, और बिल्कुल फ्रेश न्यूज़ है ठीक है, और फ्रेश जानकारी आपको बैंकिंग से रिलेटेड। चलो अब बात करते हैं दोस्तों आखिर वो न्यूज़ का। ये देखिए, ये है HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। ये क्या है, HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये वेबसाइट पर ये लिंक अवेलेबल हो चुका है, ये वाला लिंक, ठीक है, ये लिंक अवेलेबल हो चुकी है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके जो लोन मॉरेटोरियम या रीस्ट्रक्चरिंग अप्लाई करने का है वो खुल जाएगा। ये देखिए, मैं रिफ्रेश कर दिया हूँ, दोबारा से आपको यहाँ खुल चुका है आपके सामने, ठीक है। अब ये देखिए, 20 नंबर पॉइंट में आपको दिखेगा ये लिंक, ठीक है ना, ये वाली लिंक। अब इस लिंक पर हम कुछ क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ये देखिए, ये ओपन हो चुका है, HDFC बैंक की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, अब क्या डिटेल आपको मांगेगा यहाँ पर, ये देखिए हम बताते हैं आपको। HDFC की रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन एंड क्रेडिट कार्ड, यदि आपके पास HDFC बैंक का इंडिविजुअल सेगमेंट का, यानी पर्सनली आपने लोन ले रखा है, पर्सनल लोन, कार लोन कुछ भी है, या क्रेडिट कार्ड ले रखा है, इंस्टा जम्बो लोन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लोन है तो आप यहाँ लोन सेलेक्ट कर लेना, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको क्या, ये देखो स्टार मार्क है, तो स्टार मार्क वाला मैंडेटरी है, यानी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपके अकाउंट में वो डालना है, वैलिडेट करना है, फिर OTP आएगा डालना है, आप पैन नंबर भी यहाँ डालना चाहें डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला चेकबॉक्स है, इसको कर लेना है सिलेक्ट, आपको ओके कर लेना है। उसके बाद इधर नीचे में कंटिन्यू आ रहा है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये आपका लोन अकाउंट का डिटेल खुल जाएगा, और अब जो भी डिटेल वहाँ आएगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यही छोटा सा प्रोसीजर है इनका, यदि आप एलिजिबल होंगे तो आपको ये लोग रीस्ट्रक्चरिंग या मॉरेटोरियम भी दे देगा आपको 3 साल तक, ठीक है। यदि आप क्या होंगे, यहाँ से अप्लाई करने के बाद यदि आप एलिजिबल होते हैं तो आपको मॉरेटोरियम, ठीक है, मॉरेटोरियम 3.0 भी दे सकता है जितने भी टाइम के लिए आप सेलेक्ट करेंगे, या आपको रीस्ट्रक्चरिंग भी दे सकता है जितने भी टाइम के लिए आप सेलेक्ट करेंगे, और यदि आप एलिजिबल होते हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं HDFC बैंक का मॉरेटोरियम 3.0 और रीस्ट्रक्चरिंग। अब बात करते हैं आप इस लिंक को कैसे ढूंढेंगे, कैसे खोजेंगे। तो अब देखिए, ये हम आपको बता देते हैं, ये आपको क्या करना है, गूगल पर जाने के बाद आपको क्या करने हैं, यहाँ पर देखो अपने मोबाइल में भी को ओपन कर लेना, यहाँ पर डालना है आपको HDFC लोन रीस्ट्रक्चरिंग, क्या डालना है, HDFC लोन रीस्ट्रक्चरिंग ऐसे, और जब ऐसे डालेंगे तो फिर आपके पास ये वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये HDFC की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट को कर लेना ओपन, ये देखो जब आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, HDFC की ऑफिशियल वेबसाइट ये ओपन हो चुकी है। अब इसको करना है स्क्रॉल डाउन, ठीक है, जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको 20 नंबर पॉइंट में आपको दिख जाएगा ये वाला लिंक, ठीक है, 20 नंबर पॉइंट में दिख गया ये वाला, ठीक है। तो यही लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मैंने बिल्कुल क्लियरली बिल्कुल समझा दिया है किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक वगैरह कर लेना, शेयर वगैरह कर लेना, कमेंट वगैरह कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।